हमें 33 में दिया है a प्लस बी, अच्छा यहाँ इक्वल टू सी होगा, देन हमें बताना है कि टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी क्या होगा। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ना बिना कुछ सॉल्व किए भी कर सकते हैं आप, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये आंसर हमने कैसे दिया, पहले हम इसको प्रूफ कर देते हैं फिर आपको बताते हैं कि हमने कैसे दिया। अगर ए प्लस बी का वैल्यू सी है तो टेन लेने पर क्या आ जाएगा, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन सी, यहाँ से आ गया टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू कितना हो गया, टेन सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू टेन सी माइनस, तो यहाँ बी हो जाएगा टेन ए टेन बी एंड टेन सी, आ गया ना, टेन ए टेन बी टेन सी इक्वल टू टेन सी, ये है यहाँ पे माइनस टेन ए माइनस टेन बी, देखिए सेम ही आंसर है। अभी बात यह है कि हमने कैसे कर दिया, तो लॉजिक यहाँ पे यह है कि जब a प्लस बी इक्वल टू सी है तो जैसा एक्सप्रेशन a में आना चाहिए वैसा ही b में आना चाहिए, चेंज c में होना चाहिए, तो ऑप्शन वन तो गलत हो गया क्योंकि a वाले के साथ प्लस है, b वाले के साथ माइनस है। बी गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि तीनों में एक ही चीज़ है, तीनों में प्लस आ गया, कैसे भाई। सी गलत है क्योंकि ए के साथ प्लस, बी के साथ माइनस। डी सही है क्योंकि सी को अलग ट्रीटमेंट मिला है, ए एंड बी को सेम ट्रीटमेंट मिला है। सो उम्मीद है आपको ए लॉजिक जो है भी समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और हाँ अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे सारे बेस्ट पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिल जाएगा।